क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भी न्याय है, ये न्याय है, ये न्याय है। इसके पहले सारे लोग थे, कौन कौन आया है यहाँ पे, इसके पहले भीड़ जुटी है, क्या ये न्याय है? यही कानून है। अगर यही लोग अपनी शांति से मांग करें धरने पे, ये लोग शांति से, ये लोग आए हैं, सहानुभूति में आए हैं। इस देश के एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक संपैथी में आया हुआ है। किसी को ये शादी विवाह में नहीं आए हैं, तो मिलने नहीं दिया जाएगा क्या? ये शादी विवाह में नहीं आए हैं। ये आज मिश्रा जी ने हत्या किया है, हाँ। तो क्या बोलना है इनका? सलम मणि त्रिपाठी जी क्या कहेंगे इस पे? जाति मतलब नहीं, तो आप पूछिए ना उनसे, आप मीडिया से हैं तो आप उनसे ये सवाल करिए कि आज ये बात निकल के आ गई कि नवनाथ मिश्रा ने हत्या की है, तो आप स्थानीय विधायक क्या कहना चाहते हैं नवनाथ मिश्रा के बारे में? अच्छा ये बताइए, जो पता था आप प्रेम यादव के घर से आ रहे हैं? हम लोग उनके घर से आ रहे हैं, उनके पूरे परिवार से मिल के आ रहे हैं, लेकिन इस बात का हम लोग को बहुत ही ज़्यादा कष्ट ये है। अन्याय इतने ज़्यादा हो रहे हैं इस सरकार में कि न्याय की कोई उम्मीद ही न करे आज के डेट में। इनके पिताजी को जेल में जा करके बैठाया गया, वो कौन से दोषी हैं, वो कौन से अपराधी हैं, वो कौन से माफिया गुंडे, कौन से आतंकवादी हैं कि गुमशुदा नाम में उनके पिताजी को बैठाया गया प्रेमचंद यादव के? वो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, वो उनका क्या कसूर है? उसके पिताजी का क्या कसूर है? लोग बता रहे हैं रिटायर है, फौज से रिटायरमेंट व्यक्ति को ले जा करके इसी कानून में यही जेल है, क्या कौन सा अपराध है उनका? बच्चों को, हाँ, छोटे छोटे बच्चे को गुमशुदा नाम में किया गया है। क्या कहना चाहते हैं? क्या प्रेम यादव के घर आज जो पैमाइश हो रही है, जो ये बंजर वगैरह जमीन, ये उनके घर के गार्जियन है नहीं, किस चीज की पैमाइश हो रही है? किसके दिखावे में पैमाइश हो रही है? कौन है गार्जियन? किसके दिखती में पैमाइश हो रही है, मुझे बताइए ना आप। ये सरकार बताए, आखिर उस घर का कोई गार्जियन नहीं है? कोई गार्जियन आज के डेट में है नहीं, सिर्फ वो औरत है, पिताजी उसके, उनके ससुर जो है वो जेल में है। किस जुल में कर दिए जेल में? शक के दायरे में शायद लेकर गए, शक के दायरे में। वो कल स्पष्ट बयान आ चुका है, क्या इन्होंने अब पूरा यहाँ की जनता, ये क्षेत्र, ये गांव, ये पूरा जिला, देश, सारे लोग जान रहे हैं, यहाँ तक कि आप लोग से बेहतर मीडिया, आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं। अगर आप लोग अगर सही से अगर इसकी चाहेंगे तो एक एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा, इनको अन्याय नहीं मिलने पाएगा। क्या इनको बताइए, अभी तक इनके पिताजी को जेल में रखना ये न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ये कानून कहाँ का है? अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, ये अभी तक आप मुझे बताइए स्पष्ट नहीं हो पाया है। आज ही घटना हुए, कितने दिन हो गए? स्पष्ट हुआ है, एक मिश्रा जी हैं जो नवनाथ मिश्रा जी हैं, पप्पू जी मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। तो क्या आप इस पर स्थानीय, आप यहाँ का स्थानीय विधायक जो यहाँ के आज मिश्रा जी ने हत्या किया है, तो क्या बोलना है इनका? सलम मणि त्रिपाठी जी क्या कहेंगे इस पे? जाति मतलब नहीं, तो आप पूछिए ना उनसे, आप मीडिया से हैं तो आप उनसे ये सवाल करिए कि आज ये बात निकल के आ गई कि नवनाथ मिश्रा ने हत्या की है, तो आप स्थानीय विधायक क्या कहना चाहते हैं नवनाथ मिश्रा के बारे में? अच्छा ये बताइए, जो पता चल गया तो क्या आप लोग का मांगे, उससे घर बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल 100% बुलडोजर तो कतई नहीं, ये अन्याय होगा यहाँ पे। ये चीज मुझे आप ये बताइए, इस गांव में कितनी ऐसी जमीनें हैं, क्या सबके घर बुलडोजर चलवाएंगे? ये पूरे गांव में बुलडोजर चलवाएंगे? ये बुलडोजर चलाना, बुलडोजर पूरे प्रदेश में ऐसी जमीनें हैं, पूरे प्रदेश में है जमीनें, क्या पूरे प्रदेश में बुलडोजर चलवा सकते हैं? ये पूरे प्रदेश में आप बताइए, चौथा स्तंभ है, क्या चलवा सकते हैं बुलडोजर? मतलब बुलडोजर चलाना एक गलत बात है, बिल्कुल गलत जो, है। जो दोषी है उसको सजा दिया। तो ये इनके बाप को वहाँ छोड़ा है, अभी तक गुमशुदा में क्यों रखे हैं? सबसे पहले एक छोटी सी बात है दोस्तों, कि आप एसएसपी के रिटायर हैं क्या? वो हाँ, ये फौज के रिटायर हैं यहाँ से, ठीक ना? अब उनको अभी तक जेल में रखना, क्या ये न्याय है? और यहाँ पर आप लोग ऐसे रहिए, शांति से धीरे धीरे बोलिए, कोई भागने की कोशिश मत करिए, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भी न्याय है, ये न्याय है, ये न्याय है। इसके पहले सारे लोग थे, कौन कौन आया है यहाँ पे, इसके पहले भीड़ जुटी है, क्या ये न्याय है? यही कानून है। अगर यही लोग अपनी शांति से मांग करें धरने पे, ये लोग शांति से, ये लोग आए हैं, सहानुभूति में आए हैं। इस देश के एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक संपैथी में आया हुआ है। किसी को ये शादी विवाह में नहीं आए हैं, तो मिलने नहीं दिया जाएगा क्या? ये शादी विवाह में नहीं आए हैं,
ये संपत्ति में आए हैं। इस देश का जवान नागरिक बुजुर्ग महिलाएं सारे लोग आ रहे हैं, पूरा देश टूट टूटने वाला है। अब बताइए, अब जो देवेश दुबे जी हैं, जो एक बचा हुआ जो दुबे खानदान का एक लड़का है, क्या दो लड़के, एक तो अभी अनमोल है जो अपनी मौत से अभी जूझ रहा है, तो आप लोग उनके घर भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे हम लोग, ऐसी बात नहीं कि हम लोग सिर्फ एक जगह आए हुए हैं। देखिए सरकार सारा कुछ जान रही है, सच्चाई ये है कि उनको फोन करके बुलाया गया वहाँ पे, वो व्यक्ति के नकुले इतनी सा सलाह से उनको वार किया गया है, एक बार नहीं तीन तीन बार हुआ है, प्रेम यादव का उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से नहीं पता नहीं कौन इस संजिश का शिकार है, जो चाणक्य है, राजनीतिज्ञ है, ये सारे लोग यहाँ के जान रहे होंगे, सारे लोग, ये सच्चाई है उसकी, तो सरकार पता नहीं कर पा रही है, लेकिन उनके पिताजी को जेल में रख दी। चलिए, ये भैया का मांग है प्रेम यादव की, जिसने हत्या किया उसकी सजा हो, और जो उनके दुबे जी के परिवार को जो सफाया किया है, अगर कोई मुख्य आरोपी है, अगर पकड़ा गया है, अगर ये पता चलता है कौन किया है, शासन प्रशासन का काम है पता करे, अगर पता करके ऐसे लोगों को जेल में डालने की कड़ी से कड़ी सजा देने की कृपा करें। और हम आपको दिखाना चाहूँगा, यही प्रेम यादव का घर है, यहाँ पर शासन प्रशासन मुस्तैदी से लगी हुई है, और किसी भी व्यक्ति को उनके घर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनके घर जो पूरे गांव का जो ज़मीनें हैं, पैमाइश हो रही है, नप्पी हो रही है, अगर ये ज़मीन गलत, इनका घर अगर गलत जगह पर बना है, तो घर को शासन प्रशासन क्या कदम लेगी, ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। बस जय हिंद जय भारत, आगे अपडेट देते रहेंगे, आप लोग बने रहिए इंडियन न्यूज़ डे पर।